हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चंगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे क्लास 11 में एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे 3D ज्योमेट्री की। और उसमें पहले 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे एलिमेंट की बुक से। NCERT कंप्लीट हो गई 11.2। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, यानी टोटल मेरे पास 16 क्वेश्चन हैं, तो मतलब 7 क्वेश्चन बाकी हैं, वो आज हम बात करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ, ये एज इट इज जैसे आपके NCERT में है। तो मैंने पहले बोला था जिन बच्चों ने NCERT से पढ़ी है, ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो पहले, ठीक है? फिर कोई डाउट्स हो तो उसके लिए आप, ठीक है, लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर कॉन्सेप्ट वही है। एक दो क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे हमने NCERT में पढ़ी है। तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला है भाई? फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इसने बोला कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो। तो ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन आपने NCERT में किया था। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 312552। दो पॉइंट मुझे गिवन, क्या गिवन है? एक गिवन है 312 एंड सेकेंड वन इज 552। ये दो पॉइंट्स हैं, आई थिंक यही है। यस, ये दो पॉइंट्स हैं। तो इसने क्या बोला? फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। मुझे एक वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। तो अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं आपसे 2D की बात करें, सिर्फ 2D की मैं बात करता हूँ, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा जी? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये 0, B की फॉर्म में इस तरह का कोई पॉइंट होगा। यस और नो? जी बिल्कुल होगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं जी 3D ज्योमेट्री, यानी अब मेरे पास एक्सिस कितनी है जी? 3 एक्सिस है। कितनी है जी? 3 एक्सिस है। ये मेरी एक्स एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इन जनरल हम इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, ये हम जानते हैं। एंड दिस, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है आपकी एक्सिस, उस वो क्या होता है? मेरा ओरिजिन। तो अब मेरे पास कितनी एक्सिस है? 3 एक्सिस है जी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसा होगा? तो इट्स वेरी सिंपल जी। वाई एक्सिस का मतलब है ओरिजिन से सिर्फ वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, बाकी कहीं नहीं जाने वाला। तो बाकी क्या रहेगा? 0। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? एक्स 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी, और जेड क्या होगा? 0। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं x, y, z। यानी अब एक्स डायरेक्शन में कितने गए जी? मैं गया नहीं, तो 0। वाई डायरेक्शन में गए जी? बिल्कुल भी। जेड डायरेक्शन में भी नहीं गया। ठीक है, तो इन 2D क्या होता था? ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। बट इन 3D ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? सिर्फ मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, यानी 0, B, 0। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। अगर मैं एक्स एक्सिस पे यहीं पे बोलता, देखो इस क्वेश्चन में क्या मैं चेंज कैसे करूँगा? मान लो एक्स एक्सिस पे बोलता हूँ, तो एक्सिस पे सिर्फ एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। सिमिलरली जेड एक्सिस पे क्या होगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड पे एक कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक डिस्टेंस में ट्रैवल करूंगा, दैट इज योर सी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब डायरेक्टली आ जाते क्वेश्चन से। ये बात समझ में आने के बाद इसने क्या बोला कि ये दोनों पॉइंट है, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, ये पॉइंट लेट बी पी है, और वो कहाँ लाई करता है? ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पॉइंट कैसा होगा? ऐसा, इट मीन दिस बी लाइक 0, B, 0। इस टाइप से कोई पॉइंट होगा, उससे दोनों पॉइंट, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी मेरा डिस्टेंस पी ए जो है पी बी के इक्वल है, ये इसने बोला है। देन मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, यानी ये 0, B, 0 मैंने जो पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट, इसका मतलब सिर्फ मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू मिल गई तो मेरा कोऑर्डिनेट अपने आप मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जी, इसने बोला है कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है, यानी पॉइंट पी जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। सो नाउ अगर मैं दोनों पे स्क्वायर कर दूँ, सिंपली पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर दूँ, तो कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है जी, अगर 2 इज इक्वल टू 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4 इक्वल टू 4 भी होगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों किया? वो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी वजह से। मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला इन जनरल क्या होता है? अगर मुझे ए बी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो हम लिखते हैं रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये होता है जी मेरे पास पॉइंट। इस रूट को आप इस तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा जी इसका स्क्वायर। यस और नो? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने एक स्टेप बचाने के लिए यहीं पे स्क्वायर कर दिया, अदरवाइज मैं क्या करता?
यहाँ पे पहले मैं रूट लगाता, फिर मैं रूट से रूट कैंसिल आउट करना पड़ता, वो आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, रूट को इधर ले स्क्वायर हो जाता है, दैट्स इट। सो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मुझे ये बताइए पी ए स्क्वायर क्या होगा? जी ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल से रूट लगा के, स्क्वायर निकालना है तो रूट हटा दिया, सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू एक्स वन जिसको दिल करे मान सकते हो, लेट मैंने इसको बोला, सो दिस बिकम योर थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, इट मीन दिस बिकम योर वन माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, चीज़ें समझ में आई, बहुत आसान है। अब स्क्वायर की वजह से मेरे को यहाँ रूट नहीं लगाना पड़ा, बस इतना सा डिफरेंस है। द नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस पी बी स्क्वायर, सो पी बी स्क्वायर निकालो ये वाला, सो अगेन 5 माइनस जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज जेड टू माइनस जेड वन टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है जी। अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं लिखना तो दोनों तरफ रूट लगा दो, फिर दोनों तरफ रूट कैंसिल आउट कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, बस सिंप्लीफाई करो इसको, आपको वैल्यू मिल जाएगी। 3 माइनस जीरो इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस जीरो होल स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 5 माइनस जीरो 5, 5 स्क्वायर इज 25, नेक्स्ट 5 माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 10b एंड दिस 2 स्क्वायर इज 4। जो सिंप्लीफाई होए कर दो, तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया जी। और कुछ हो सकता है? तो सब टर्म्स को मैं एक तरफ ले आता हूँ, इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर भी हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, और कुछ नहीं दिख रहा। तो माइनस 2b को मैंने एज इट इज रखा और इस माइनस 10b को मैं इधर लेके आया, दिस बिकम योर प्लस का 10b, तो सिर्फ b है मेरे पास, तो कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 25 प्लस 25 दैट इज 50। और कुछ है यहाँ पे? नहीं है जी। इधर देखो, इधर मेरे पास क्या बचा है, ये माइनस टू बी मैंने लिख दिया है, 9 प्लस 1 10, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, माइनस 2b प्लस का 10b, दिस बिकम योर 8b इज इक्वल टू 50 माइनस 10 दैट इज 40, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 बाय 8, 8 फाइव जहाँ 40, तो b की वैल्यू क्या आ गई जी 5। बट इसने क्या बोला, वो पॉइंट पूछा है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, b क्या है जी 5, 0, दैट्स योर आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P is 050। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। होप शो आपको चीज़ें क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखें, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा इमेजिनेशन काम आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। एक पॉइंट है P मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट है ABC, इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से भाई? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी होती है? 3, यानी x, y और z, तीनों पे मुझे इसका क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अब जब मैंने ये डेरिवेशन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था, तब ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट है उससे मुझे किसी भी एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो कहाँ से जाएगा। सिंपल देखो, इसको समझने में सबसे आसान रहेगा, मैं जेड एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैंने ऊपर बॉक्स, ये जो मेरा एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ऊपर, ये क्या है जी? ये एक प्लेन है। कैसा प्लेन है? ये प्लेन है जी, अगर मैं इस नीचे वाले की बात करूँ तो ये है प्लेन मेरा एक्स वाई प्लेन, और ये जो प्लेन होगा ऊपर वाला, ये वाला, ये क्या होगा जी मेरा? इस एक्स वाई के पैरेलल प्लेन होगा, एक प्लेन जो एक्स वाई के पैरेलल है। और अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मेरी जेड एक्सिस क्या होती है जी? मेरी जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है किसके? एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर क्या होती है जेड? मेरी क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको समझाना चाहूं, सो लेट बी दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये अगर मेरा एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस कैसी होगी? सिंपल सी ऐसे। या मेरा रूम ले लो, अगर मैंने क्या बोला, मेरा जो फ्लोर एरिया है उसको मैंने क्या बोला? एक्स वाई प्लेन बोला, तो मेरी जेड एक्सिस जो मेरी दीवार है उसके कॉर्नर से जो एक लाइन जाएगी, जेड इज योर जेड एक्सिस, वो क्या होती है मेरी फ्लोर पे? दैट इज परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि लेट बी कोई भी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या है? दिस इज योर जेड एक्सिस, और ये इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। अब ये जो प्लेन नीचे वाला, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन ऊपर वाला भी है, ठीक है। तो जेड एक्सिस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ये सुनो जी, बिल्कुल होगी। तो इस प्लेन पे मैंने क्या समझाया आपको, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, ये वाला प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है,
और मैं इसको अगर यहाँ बनाना चाहूँ, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, और जेड एक्सिस कैसी दिखती है मेरी, सॉरी जेड एक्सिस होती है कुछ ऐसे, ये हमेशा इसकी क्या रहती है जी, परपेंडिकुलर रहती है। इसके पैरेलल कोई भी प्लेन, जो मेरा व्हाइट बोर्ड है इसके, इसको मैं ऊपर ले आऊँ थोड़ा, तो क्या जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर रहेगी, जी बिल्कुल रहेगी, ठीक है। यानी ये मेरा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे मैं कैसे भी घूमता रहूँ, ये हमेशा क्या रहेगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो एक्स इसके परपेंडिकुलर है, वाई भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन में कोई भी एक लाइन ले लो और उसके साथ जब आप इस लाइन का एंगल निकालोगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कोई भी लाइन किसी प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है, उस प्लेन पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो हमेशा क्या रहेगी, उसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। इट मीन्स, अब ध्यान से देखो आप, ये मेरी जेड एक्सिस है और ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इस प्लेन पे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा दैट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो इट्स वेरी सिंपल, मुझे इस पॉइंट पी से चाहिए परपेंडिकुलर, तो बस पी और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन जेड एक्सिस। चीजें क्लियर, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी ये बहुत अच्छे से बताया था जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा था। आपका रूम को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक कॉर्नर को आप ओरिजिन मानो और उसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो कॉर्नर होगा उसको आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट करो। अब कोई भी जेड एक्सिस आपकी कौन सी होगी, जो दो वॉल्स के बीच की, दो वॉल्स के बीच के जो लाइन होगी दैट इज योर जेड एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से कर सकोगे, उस कॉर्नर से। जो आपकी छत होगी उसका जो डायगनल होगा दैट इज ए परपेंडिकुलर टू दैट जेड एक्सिस, दिस इज योर डायगनल, दिस इज योर, ठीक है, ये मेरी क्या है, छत है, समझ में आया, रूफ है, आ गया, सो दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब मैं पूछता हूँ कि ये मैं निकाल कैसे सकता हूँ, सिर्फ एक को ऑब्जर्व कर लो, बाकी अपने आप समझ में आएगी चीज़ें। इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इट्स वेरी सिंपल जी, कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट को ए बी सी बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस गया, देन वाई डायरेक्शन में बी डिस्टेंस गया और जेड डायरेक्शन में कितना गया जी, सी डिस्टेंस गया। जितना ए डिस्टेंस है क्या उतना ही डिस्टेंस ही होगा, जी बिल्कुल। ये हम 2D से भी जानते हैं कि अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया तो जितना डिस्टेंस ये है, अगर मैं यहाँ से जॉइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो उतना ही डिस्टेंस ये रहता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करता है। सो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, जितना ये है उतना डिस्टेंस ये भी है। सो ये ए है, ये बी है, मुझे ये निकालना है। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 90 डिग्री है, बट 3D में उतने अच्छे से दिखाई नहीं देता। कैसे, ध्यान से देखो, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, तो अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला, ये वाई एक्सिस बोला, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये सुनो, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है जी, 90। इसके अगर मैं कोई भी पैरेलल प्लेन लेता हूँ तो वहाँ पे भी एक्स और वाई के बीच में एंगल तो 90 रहेगा ना, इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मेरे पास ये ए है, ए बी है और बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो एंड यू गेट योर हाइपोटेन्यूज। सो इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी ऑन जेड एक्सिस, क्या होगा जी, इट्स वेरी सिंपल, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देखने के बजाय ऐसे देखो, व्हाट इज ए, योर एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज बी, योर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स क्या है, ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। अगर मुझे किसी पॉइंट से जेड एक्सिस पे, किस पे निकाला मैंने, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो बहुत सिंपल है जी, जेड पे निकालना है ना, ए एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ले लो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, उनका रूट कर दो, यू गेट योर आंसर। सिमिलरली अगर इसी कॉन्सेप्ट से मैं पूछता हूँ वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो वाई वाला छोड़ दो, बाकी होंगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे मैं आपसे पूछूं एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वेरी सिंपल जी, एक्स वाला छोड़ दो यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, दैट्स योर आंसर। ये चीज़ें याद करने वाली, कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया। सिमिलरली अगर ये वाला निकालना चाहो तो देखो, सिमिलरली ये क्या होगा, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपका, तो ये कैसे निकाल सकता हूँ, इट्स वेरी सिंपल, ये सी है जी, ये ए है, तो ये भी ए है, दिस अगेन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। सिमिलरली जब आप एक्स एक्सिस पे जाओगे तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा। अब देखो ये दिखने में थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है, क्योंकि 2D प्लेन पे 3D फिगर बनाना, 3D फिगर्स बनाना थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है, चीज़ें विजुलाइज आपको करनी ही पड़ेगी। तो जब भी 3D पढ़ो एक्स बॉक्स लेके बैठ जाओ, ठीक है।
ठीक है, छोटा बड़ा जैसा मिले लेके बैठ जाओ, उस पर मार्क कर लो ये मेरी एक्स एक्सिस है। जैसे मैंने बुक ली तो मैंने मार्क कर दिया ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब उन चीज़ों से जब आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई प्लेन किसी लाइन के, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो उस पर कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर दो आप, वो सारी इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। ट्राई करके देख लो। ये मान लो मैंने चार लाइन ली, ये सेम प्लेन है, ये यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस यहाँ ले जाओ दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी, यानी जितनी भी लाइन्स होगी सबके ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क कर रहा है। दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से निकल सकता है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा विजुलाइज करने वाला है, बस ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। होप शो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो बस रट्टा मार लो, ठीक है, बट आना चाहिए समझ में यार, कितने रट्टे मारोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्या बोला जी क्वेश्चन नंबर 12 ने, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है, आई थिंक आप पहले से जानते हो। लोकस का मतलब पाथ, पाथ का मतलब, अब देखो यार मैंने कोई इक्वेशन लिखी x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, फिर यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते थे कई बार एक्स वाई। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने दो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। एक्स की कोई वैल्यू रखो उसके लिए वाई की मिलती जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो क्या मैं हर पॉइंट को बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, तो इसलिए हमने ऐसी इक्वेशन लिखी। और हम बोलते हैं कि ग्राफ बनाते थे, फिर हम बोलते थे कि ये इक्वेशन जी इस लाइन की है, एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स ये जो भी पॉइंट्स हैं इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी, उसके हिसाब से ये क्या बता रहा है मेरा, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ दोज पॉइंट्स और लोकस ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स का लोकस है, उन पॉइंट्स का पाथ है, उन पॉइंट का कलेक्शन को ये दिखाता है मुझे कि जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक ही तरीके से मैंने दिखा दिए, तो एक इक्वेशन बना दी, ठीक है, तो दैट्स इट। तो जब भी आपसे लोकस की बात होती है इट मीन्स आपसे वो इक्वेशन पूछ रहा है, तो जो भी कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो इजीली। तो ये आई थिंक आपको पहले ही पता था, नहीं पता तो पता चल गया। अब हम बढ़ते आगे। लोकस का मतलब सीधी सी बात है, मुझे इक्वेशन निकालनी है, मोटा मोटी ये समझ लो, ठीक है जी, मोटा मोटी ये समझ लो। या फिर इसका बोलने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, इन सबको मिला के कोई ना कोई कर्व बनेगा और उस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, बस वही चीज़ मुझे बतानी होती है। सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3। मुझे एक पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट बी दिस पॉइंट पी इज देयर, जिसका लोकस निकालना हो उसको हमेशा लेट कर लो, दिस इज एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, जनरली एक्स वाई जेड कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन में हमेशा किस में निकालता हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में ही निकालते हैं, इन जनरल हमारी इक्वेशन ऐसे ही मिलती है, ठीक है, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट 0, 2, 3 से, ठीक है, दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है 2, -2 and 1, 2, -2, 1, ठीक है जी, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस में, यानी ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल, लेट बी मैंने इसको ए बोला इसको बी बोला तो ये डिस्टेंस क्या है मेरे, इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पी का लोकस निकालना है, ठीक है। पॉइंट पी के लोकस का मतलब क्या है, अब कुछ बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे बहुत सारे पॉइंट्स और अभी आप एक पॉइंट पे आ गए, तो इसने ये बोला है कि ऐसे पी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं मेरे, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ये पॉइंट्स हो सकते हैं, जिनको अगर मैं इस पी ए से और पी बी से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे इक्वल मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स कैसे बता सकता हूँ, या तो मैं अगर नंबर में होते 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 100 भी होते तो मैं बता देता शायद, बट यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको बताने का तरीका क्या होता है, उसकी इक्वेशन बता दो, तो बस वही मुझे करना है। तो इसने क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, तो मैंने पॉइंट पी को ज्यूम कर लिया, लेट बी दिस इज एक्स वाई जेड। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन से बोला कि ये जो पॉइंट पी है ये इस और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इसने बोला कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। सबसे पहला काम आप ये करोगे, लेट द पॉइंट पी बी दिस एंड देन द कंडीशन इज दिस, ये कंडीशन मुझे गिवन है, यूज दिस अगेन, जैसे हमने लास्ट किया था पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पी ए स्क्वायर ले लिया तो रूट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर
एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन मीन्स जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर। सो ये क्या आ गया, रूट नहीं लगाना क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा दिया पहले, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस टू दैट बिकम प्लस टू होल स्क्वायर एंड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, तो बस सिंप्लीफाई करना है, तो फटाफट कर दीजिए। एक्स माइनस जीरो इज एक्स, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो दिस बिकम वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस का फोर वाई, दिस बिकम ए माइनस बी होल स्क्वायर अगेन, तो जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू, दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर वाई, द लास्ट वन इज जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड। ठीक है जी, तो अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तीन तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब एक एक टर्म को इधर लेके आते जाओ और सॉल्व करते जाओ, या एक्स वाली कोई टर्म नहीं है तो मैं माइनस फोर एक्स को इधर लेके आऊँगा, ये हो जाएगा प्लस का फोर एक्स, पहली चीज़ इसका काम हो गया खत्म। वाई वाली टर्म देखो, स्क्वायर वाली सारी कैंसिल आउट हो चुकी है, तो एक्स वाई जेड की टर्म्स देखनी है मुझे, माइनस का फोर वाई है प्लस का फोर वाई, तो फोर वाई इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का फोर वाई इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस फोर माइनस का एट वाई, ये और ये भी हो गया। जेड वाली टर्म देखो, माइनस का सिक्स जेड है माइनस का टू जेड, माइनस का टू जेड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू, माइनस का सिक्स प्लस का टू दैट गेट माइनस का फोर जेड, बाकी क्या बचा जी, कॉन्स्टेंट टर्म बची, कॉन्स्टेंट क्या है प्लस का फोर, इन दोनों से ये कैंसिल आउट, फोर से फोर कैंसिल आउट, तो इस साइड में सिर्फ मेरे पास नाइन बचा। ठीक है, और उसको चाहे इस तरफ रख लो या उस तरफ ले जाओ वो आपकी चॉइस, तो मैं उस तरफ ले जाता हूँ, प्लस का नाइन जब जाएगा उधर हो जाएगा माइनस का नाइन, तो ये तो हो गया। इधर क्या है मेरे पास, इधर है मेरे पास एक फोर ये है और वन ये, फोर प्लस वन फाइव, प्लस का फाइव माइनस का नाइन, तो माइनस का फोर बचा, तो माइनस है तो मैं इसको वापस से इधर लाऊंगा, तो प्लस फोर होल इक्वल टू जीरो, दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ये फोर से डिवाइड हो रहा है थ्रू आउट, कर दो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई फोर, यू गेट हेयर एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस वन होल इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई जरूर कर देना भाई, ठीक है, इससे इसके मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 12, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बहुत चीज़ें आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या बता रही है, अब ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं मेरे पास, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू लो जेड उसके लिए मिल जाएगा, कोई भी दो एक्स वाई की वैल्यू लो आप उसके लिए तीसरा पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए उसने बोला किसका लोकस निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालो, तो बातें सारी एक ही है। टेंथ क्लास में हमें क्या बोल देते थे कि भाई क्या निकालो, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई निकालो, तो वो क्या था एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स वाई में इक्वेशन थी वो लोकस ऑफ द पॉइंट्स था, दैट्स इट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव्स इन सच ए वे दैट, इसने बोला कि एक पॉइंट पी का लोकस निकालो, सबसे पहले लेट कर लो कि लेट पी इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको लेट कर लो। सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव्स इन सच ए वे दैट, जो मूव्स करता है कैसे कि टू पी ए, टू पी ए इज इक्वल टू थ्री पी बी, इसने बोला कि टू टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बी, ए इक्वल मुझे गिवन है, और जहां पे पॉइंट ए जो मुझे गिवन है दैट इज योर माइनस टू कॉमा वन कॉमा थ्री, पॉइंट बी जो है वो क्या है, दिस इज योर थ्री माइनस वन टू, थ्री कॉमा माइनस वन कॉमा टू। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स है, माइनस टू वन थ्री, थ्री माइनस वन टू। अब इसने मुझे बता दिए कि पी का डिस्टेंस ए से उसका टू टाइम्स कर दो, और पी का डिस्टेंस बी से उसका थ्री टाइम्स कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों इक्वल मिलने चाहिए, उस पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है, तो जस्ट सेम एज इट इज जैसे लास्ट किया था, सिर्फ टू थ्री एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला और फटाफट से इसको करते हैं, तो टू इन टू। अब देखो पी ए है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो या तो इसको पहले से स्क्वायर कर लो या फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, तो चाहो इसको पहले कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट है फोर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन पी बी स्क्वायर, करना पड़ेगा स्क्वायर, ये चीज 100% श्योर है। फोर एज इट इज लिया, पी ए स्क्वायर निकालो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस बिकम एक्स माइनस माइनस टू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू होल स्क्वायर, अब यहाँ ब्रैकेट लगा देना क्योंकि फोर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, दिस इज योर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज
जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर बैक क्लोज इज इक्वल टू थ्री इंटू पी वी, तो पी वी अगेन सेम, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस वन होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज जेड माइनस टू होल स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। सो ब्रैकेट क्लोज, बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं करना। दिस बिकम योर फोर बाहर रहेगा एज इट इज एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, दिस योर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स जेड ब्रैकेट क्लोज। ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज मैंने लगा दी, सेम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया, दिस इज योर नाइन, सॉरी दिस इज योर नाइन, सो नाइन एज इट इज सॉल्व दिस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई, लास्ट वन इज जेड स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर जेड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से फोर को अंदर ले जाओ, यहाँ से नाइन को अंदर ले जाओ, फोर जाएगा तो ये फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन अगेन, यहाँ पे फोर लग जाएगा, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, दिस फोर जेड स्क्वायर, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स और फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, सेम एज रीज यहाँ नाइन लेके जाओगे तो नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन नाइन जा एटी वन, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, नाइन एक्स नाइन वाई स्क्वायर, नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, देखो ये कैलकुलेशन है, आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब सब टर्म्स को एक तरफ लाओ और उसको सॉल्व कर लो, तो ये एज इट इज रहने दो, उसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस माइनस एंड प्लस होल इक्वल टू जीरो, बस सिंप्लीफाई करो और लिख दो, माइनस का नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी। अब वाई स्क्वायर देखो, फोर वाई स्क्वायर वहाँ पे कितना है नाइन वाई स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का फाइव वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाली टर्म देखो, फोर जेड स्क्वायर नाइन जेड स्क्वायर, तो माइनस का फाइव जेड स्क्वायर, एक्स वाली टर्म देखो सिक्सटीन एक्स वहाँ पे क्या है फिफ्टी फोर एक्स, दोनों क्या हैं प्लस के, दोनों क्या हैं प्लस, तो कितना बन जाए सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी एक्स, तो प्लस का सेवेंटी एक्स, वाई वाली टर्म देखो भाई माइनस का एट वाई माइनस का एटीन वाई, तो माइनस का ट्वेंटी सिक्स वाई, जेड वाली टर्म माइनस का ट्वेंटी फोर जेड माइनस का थर्टी सिक्स सॉरी प्लस का थर्टी सिक्स है, तो कितना बचेगा एट प्लस फोर ट्वेल्व, तो प्लस का ट्वेल्व जेड। अब कांस्टेंट टर्म बची है तो सिक्सटीन ये हो गया प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स, ये हो गया मेरा फिफ्टी सिक्स प्लस का चल रहा है अभी तक, माइनस का एट्टी वन माइनस का नाइन कितना हो गया माइनस का नाइन्टी, माइनस का नाइन्टी और माइनस का थर्टी सिक्स है, तो 90 उसको इसमें से माइनस कर दो कितना बचेगा 20, तो माइनस का 90 प्लस का 20 कितना बचा माइनस का 70 होल इक्वल टू जीरो, दैट्स योर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसमें नेगेटिव आ रहे हैं, तो माइनस वन को थ्रो आउट कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस बस साइन चेंज कर दो सबके होल इक्वल टू जीरो, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थी आई थिंक, बहुत आसान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बस ऐसी चीज़ें सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वही है। कितना हो गया 13, लास्ट थ्री क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पॉइंट। अब मुझे पॉइंट बोला गया है, अब ये ध्यान है, जहां पे बोले फाइंड द लोकस इट मीन्स इक्वेशन आंसर, आंसर क्या आएगा एक इक्वेशन की फॉर्म में आने वाला है। फाइंड द पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट निकालने बोले, एग्जैक्ट एक पॉइंट ही होगा वहां पे, तो फाइंड द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अब मैं बार बार आपसे बोलता आ रहा हूं कि ऑन एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है जी मेरा, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं, लेट बी मैं बॉक्स ही बना लेता हूं, उससे समझ में आएगा अच्छे से, होप्स आपको पता भी होगा, ये चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन नहीं करवा दिया था। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। मैं सिंपली आपसे ये पूछता हूँ कि एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जी, ये वाला जो प्लेन है ना, ये मेरा है एक्स वाई प्लेन। इसकी क्या खास बात होती है,
जी इसकी खास बात ये थी, कोई भी पॉइंट लो, आपको एक्स में जाना है देन वाई में जाना है, काम खत्म। अब जेड में मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स ऑन एक्स वाई प्लेन जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। ये एक्स है, ये जेड है, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है जी, वाई गायब है तो वाई जीरो। अगर मैं बात करूँ ये वाई और ये जेड, तो ये क्या, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में क्या होता है जी, एक्स जीरो होता है। वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो, एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो, एक्स जेड प्लेन में वाई जीरो। ये कॉन्सेप्ट पता है? पता है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री पॉइंट। अब इसे सबसे पहले बोला कि एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट चाहिए, तो मुझे पता है जेड जीरो है, तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा जी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो की फॉर्म में होगा। येस और नो जी, हमेशा इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, पहली चीज कन्फर्म रहनी चाहिए। तो एक्स वाई प्लेन निकालना है और उसके बारे में क्या बोला, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री पॉइंट्स। तीन पॉइंट मुझे गिवन है, द फर्स्ट वन इज 203, लेट बी दिस पॉइंट इज ए। सेकेंड पॉइंट मुझे गिवन है 032, 0, 3, 2, एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट सी इज 001। तो मुझे एक पॉइंट गिवन है, लेट बी दिस पॉइंट इज पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। ये पी ए से, पी बी से और पी सी से, तीनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है जी, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। यानी इसने क्या दिया है मुझे कि पी ए जो है पी बी के इक्वल है और पी सी के इक्वल है, ये मुझे ऐसे गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। देखो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स आ गया, थर्ड तो जीरो हो गया, थर्ड क्या हो गया, जीरो। तो एक्स वाई प्लेन देने का मतलब है जेड कोऑर्डिनेट जीरो, तो एक काम मुझे जेड की वैल्यू मिल गई जीरो। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशन चाहिए। कैसे मिलेगी, इट्स वेरी इजी। अब ध्यान से देखो, अब ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो पहले कोई भी दो डिस्टेंस, मैं पी ए और पी बी को ले सकता हूँ, मैं पी बी पी सी को ले सकता हूँ, मैं पी ए पी सी को ले सकता हूँ और पी बी पी सी को, कोई भी दो डिस्टेंस उठा लो, ठीक है, उनसे मेरी दो इक्वेशन बन जाएगी और उन दो इक्वेशन को मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब बेटर क्या रहेगा वो देखो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अगर देखूँ, यहाँ पे दो जीरो है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। तो पी सी दोनों बार लूंगा, पी सी दोनों बार, यानी देखो पी ए पी बी तीनों इक्वल है, तो एक बार मैं बोल सकता हूँ कि पी ए जो इक्वल होगा पी सी के, ये सुनो जी बिल्कुल, ये तो मुझे गिवन है। और दूसरी बार मैं बोलूँगा कि पी बी जो है वो भी पी सी के इक्वल है, जी बिल्कुल है। यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिलेगी और आसान होगी, आप कोई भी ले सकते, देखो पी ए इक्वल टू पी बी ले सकते थे इन जनरल, ये दोनों ले वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मैंने ले लिया और ये भी मैंने ले लिया, ठीक है, तो तीसरा ये भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये पी सी मैंने दोनों में क्यों लिया, दो कोऑर्डिनेट जीरो है तो मेरे लिए इक्वेशन निकालना बहुत आसान है इसकी, दैट्स व्हाई। चीज़ें क्लियर, स्टार्ट करें, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगेन वही काम करते हैं, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। अब डायरेक्टली फटाफट से करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन दिस बिकम योर एक्स माइनस टू होल्स क्यों प्लस वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो वाई माइनस जीरो होल्स क्यों एंड द लास्ट इज जीरो माइनस थ्री होल्स क्यों। चीज़ें क्लियर, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और सबका करना है स्क्वायर। पी सी निकालो इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस भी जीरो होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज जेड माइनस वन, सॉरी जेड इज जीरो माइनस वन होल स्क्वायर। जेड तो जीरो ही है, बस फटाफट से सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस बिकम योर ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस का फोर वाई। चीज़ें क्लियर, सॉरी सॉरी एक्स भाई, एक्स कर रहे हो तो एक्स आएगा, वाई माइनस जीरो इज वाई, दिस बिकम योर वाई स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज प्लस का नाइन इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, मीन्स दिस इज योर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और दिस बिकम वन स्क्वायर इज वन। सॉल्व करें, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ एक्स बचा, वैल्यू निकल जाएगी माइनस का फोर एक्स, मैंने एडिटीज रखा, प्लस का नाइन प्लस का फोर प्लस का थर्टीन, उधर जाएगा तो माइनस का थर्टीन, तो मेरे पास प्लस का वन है माइनस थर्टीन है, तो माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस का ट्वेल्व, फोर थ्री जहाँ ट्वेल्व, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया थ्री आ गया। सेम एज इट इज, जब आप ये निकालोगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, करेंट राइट। ये चीज़ें समझ में आ गई, पहला मैंने कौन सा डिस्टेंस लिया, पी ए और पी सी लिया, अब पी बी और पी सी लोगे तो क्या होगा, दिस बिकम योर पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो अब देखो पी सी का तो यही रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसको सॉल्व करने से ये मिलने वाला है, मैं सिर्फ पी बी को इस तरफ लिख देता हूँ बस, आपको अलग करना है, मैं सिर्फ समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से, पी बी निकालोगे मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर
एंड द लास्ट वन बचेगा आपका 0-2 का होल स्क्वायर, x माइनस 0, y माइनस 3, 0-2 हो गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. सॉल्व दिस. सो ये x स्क्वायर एज इट इज आएगा, दिस बिकम y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y एंड प्लस का 2 स्क्वायर इज 4. x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज पहले की तरह कैंसिल आउट होगा, सिर्फ y बचेगा, तो माइनस का 6y, 9 प्लस 4 13, 13 उधर जाएगा तो अगेन दिस बिकम माइनस का 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2. x की वैल्यू क्या थी, 3, y वैल्यू इज 2, सो दिस पॉइंट इज 3, 2, 0, दैट्स योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि मेरे से पॉइंट पूछा है तो मुझे एज इट इज कोऑर्डिनेट लिखना ही है. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 14. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हटा दो, देखो कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, तो आसान है आई थिंक बहुत ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0, 0, 0, बी 0, 0, 0, सी एंड 0, 0, 0. अब इसने क्या बोला कि एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेट बी दिस इज योर एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं. और इसने क्या बोला कि चार पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड दिस इज योर जीरो सॉरी ए कॉमा 0, 0, द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट है दैट इज योर 0, b 0, थर्ड पॉइंट क्या है जी, थर्ड है जी 0, 0, c और लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज योर 0, 0, 0, तो ये क्या है जी मेरा ओरिजिन है. ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है, इट मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस. ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, वाई एक्सिस. ये पॉइंट कहाँ होगा, ऑन जेड एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है, और ये कहाँ है, ये है जी मेरा ओरिजिन पे. कहाँ है जी, ओरिजिन पे. इन सब से ये वाला जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे है. तो इसको मैंने अगर ए बोला, इसको मैंने बी बोला, दैट इज योर सी, दैट इज योर डी एंड दिस इज योर पॉइंट एट बी पी. सो मुझे क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है. ठीक है जी, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे सिंपली गिवन है जी पी ए जो है इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी. ये चारों डिस्टेंस क्या है मेरे इक्वल हैं. देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने. तीन वेरिएबल, तो मिनिमम क्या चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए मुझे, ठीक है, जिससे मैं एक्स वाई जेड निकाल सकता हूँ. तो कैसे मिलेगी, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. सो पहले इन दोनों को ले लें, बिल्कुल ले लो जी. तो पी ए इज इक्वल टू, मैंने पी भी लिया, सेम एज इट इज वैसे काम कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, निकालो फटाफट से. एक्स माइनस ए, तो दिस बिकम योर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y स्क्वायर हो जाएगा एंड z माइनस 0 इज z, तो दिस बिकम z स्क्वायर. चीज़ें समझ में आ रही है, इज इक्वल टू पी बी. अब एक काम और कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं ध्यान से देखो. मैंने आपको क्या बोला, आप ये दोनों डिस्टेंस ले लो, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो. जैसे हमने लास्ट में किया था कि मैं एक आसान सा काम नहीं कर सकता भाई, जिससे कि मेरी चीज़ें फटाफट से निकल जाए, तो वो मुझे पॉइंट दिखता है 0, 0, 0, 0. तो अगर मैं इस पी बी के बजाय सबके साथ पी डी लेता हूँ, यानी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी, ये दोनों इक्वल हैं जी, बिल्कुल इक्वल हैं. ऐसे ही पी बी जो है वो पी डी के इक्वल है जी, बिल्कुल है. और ऐसे ही मेरा पी सी जो है वो पी डी के इक्वल है. देखो आप बी लोगे तो भी निकल जाएगा, यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी लोगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझे चीज़ें थोड़ी और आसान बनानी है, ताकि मेरी कैलकुलेशन कम हो, ताकि मेरे आंसर्स फटाफट निकले, ठीक है. तो इसलिए मैंने 0, 0 वाला काम किया. अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 0 इज x, एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 y, तो y स्क्वायर एंड z माइनस 0 इज z स्क्वायर. सिंपल सा फॉर्मूला, फटाफट से लग गया, ठीक है. y स्क्वायर z स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से x निकलेगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट. मुझे x चाहिए तो माइनस 2ax मैंने इधर रखा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई, a बाई 2. सिमिलरली आप इसको निकालो, ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है, ये वाली साइड तो सेम रहेगी, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ फिर से. अब यहाँ से देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, x माइनस 0 रहेगा तो ये तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, दूसरा हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर मेरा रहेगा एज इट इज, क्योंकि z माइनस 0 है. और मैंने अगर सिर्फ d लिया तो d फिर से मेरा यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और y यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी वाई. देखो वही सारी चीज़ें हैं,
इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा बी बाई टू, सेम बेटर, बी स्क्वायर को उधर लेके जाओ, एक बी से एक बी कैंसिल आउट, क्या बचेगा बी बाई टू बचेगा, दैट्स इट। सिमिलरली जब आप ये डिस्टेंस लोगे तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा आपको सी बाई टू, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ए बाई टू कॉमा बी बाई टू कॉमा सी बाई टू, दैट्स इट। सेम पैटर्न है, आई थिंक बार बार कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। सो इन जनरल जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे करते हैं, पी ए पी वी ले लो, फिर पी बी सी डी ले लो, वहाँ से इक्वेशंस बनती जाएगी आपकी, ठीक है, फिर उनको सॉल्व करो, लेंथी हो जाएगा, बट इस प्रोसेस से देखो कितना आसान हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करो ऐसी चीज़ें करने की। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 16, होप सो अभी तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला भाई, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट, एक पॉइंट का मुझे लोकस निकालना, तो एज यूजुअल मैं लेट बी इस पॉइंट को पे बोल देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे हम पहले भी करते हैं, सिंपल। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, अब मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए इज 0, 0 माइनस अल्फा और एक दूसरा पॉइंट है दैट इज पॉइंट बी एंड दैट इज योर 0, 0 अल्फा, ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है जी। और इसने बोला क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यानी डिस्टेंस पी ए और पी बी इन दोनों का सम, यानी पी ए प्लस पी बी जो है वो क्या बोला उसके बारे में, इज कॉन्स्टेंट, वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो लेट मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कॉन्स्टेंट, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेट बी इट इज की ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना है कि भाई इसका लोकस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये जो पॉइंट्स होंगे ऐसे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी। सो कैसे निकालें, एज यूजल जैसे मेरे पास है पी ए और पी बी डिस्टेंस निकालना आता है तो निकाल लीजिए फटाफट। तो पी ए मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं रूट ऑफ, अब ध्यान से देखो एक्स माइनस जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस जीरो दिस इज एक्स दैट इज योर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो वाई वाई माइनस जीरो इज वाई, वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई प्लस द लास्ट वन इज जेड माइनस माइनस अल्फा, तो दिस बिकम जेड प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ तक चीज़ें क्लियर। प्लस पी बी, पी बी क्या होगा ये वाला डिस्टेंस, तो निकालो एक्स माइनस जीरो अगेन दिस योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा होल स्क्वायर, आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होने लग गई होगी, इक्वल टू मैंने लिख दिया के, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास टर्म्स है दो रूट वाली और रूट मुझे हटाना पड़ेगा इक्वेशन निकालने के लिए, तो क्या करना चाहिए, तो बेटर रहता है एक रूट वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, जब ये टर्म वहाँ जाएगी तो क्या होगा, ये तो एज इट इज, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ स्क्वायर खोल के लिख दूँ, दिस जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा जेड स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर, इज इक्वल टू ये के हो गया और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पूरी टर्म रूट के अंदर ये वाला टर्म, इसको फिर से मैं खोल के लिखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू अल्फा जेड, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है यहाँ पे। अब रूट हटाने के लिए क्या करो, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, क्या करोगे जी दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, इससे तो कैंसिल आउट इजी, तो मेरे पास बचा ये टर्म्स, यानी मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए मीन्स के का स्क्वायर, के का स्क्वायर तो के रहेगा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो इसका मतलब मेरे पास रूट हटा के ये टर्म आ जाएगी एज इट इज, तो दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा जेड, ठीक है जी, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए भी रह गया, तो माइनस का टू के इंटू बी क्या है जी ये पूरी टर्म, तो दैट इज योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा जेड, चीज़ें क्लियर। सो अब जो कैंसिल आउट तक कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है जी, बाकी सबको रूट वाली टर्म को उस तरफ रखो, बाकी टर्म्स को ले आओ इधर, टू अल्फा जेड यहाँ है माइनस का टू अल्फा जेड यहाँ है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा फोर अल्फा जेड, के स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टू के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू अल्फा सॉरी प्लस अल्फा स्क्वायर
एंड माइनस टू अल्फा जेड इज है। चीज़ें क्लियर? सो नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ तो a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी फिर से लगेगी, तो दिस बिकम योर ए स्क्वेयर मीन्स फोर अल्फा जेड का स्क्वेयर, दैट इज 16 अल्फा स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो प्लस k का स्क्वेयर, k स्क्वेयर का स्क्वेयर करोगे तो k रेस्ट पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 फोर जा 8 अल्फा जेड इंटू k स्क्वेयर इज इक्वल टू, चीज़ें क्लियर? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज देयर। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वेयर करोगे देखो ये इंटू में है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये टर्म बन जाएगी कुछ ऐसे, यस और नो, ये हो गया मेरा स्क्वायर इसका, 4 के स्क्वायर को अंदर ले जाओ, तो दिस बिकम योर 4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ करोगे तो प्लस 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, द लास्ट वन इज माइनस 4 टू जा 8 अल्फा जेड के स्क्वायर, चीज़ें क्लियर? अब सिंप्लीफाई फर्दर करके देखो, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी को दूसरी तरफ कर दो, तो मैं इनको लिख रहा हूँ, एक टर्म ये एक्स ये वाली वाई, तो प्लस की है 4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस तरफ जेड वाली टर्म है ये प्लस 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये वाली एक जेड वाली टर्म है, इसको ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये जाएगी तो माइनस 16 अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी आई थिंक। इन टर्म्स को मैंने इस तरफ लिखो, देखो अब 2 इक्वल टू 3 लिखूँ या 3 इक्वल टू 3 लिखूँ कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने रीअरेंज करके लिख दिया बस। तो मैंने पहले क्या लिखा, ये वाली टर्म एज इट इज रखी, ये वाली एज इट इज रखी, ये वाली एज इट इज रखी, ये वाली को उधर ले गया तो माइनस हो गया। अब मैं इसको इस तरफ लिखूँ, इसके इक्वल टू यहाँ पे लिखूँ या इक्वल टू यहाँ पे लिखूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसके उस तरफ इक्वल टू लिख दिया, यानी यहाँ लिख दिया। सो अब इक्वल टू की तरफ क्या बचा, ये उधर जा चुका है, यहाँ बचा k रेस्ट पावर 4, और क्या बचा जी, ये हो गया, ये बचा, तो ये जब उधर जाएगा दिस बिकम माइनस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। होप शो आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है, कन्फ्यूज मत रहना, इसको उस तरफ ले जाना, इसको उस तरफ ले जाना है, एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेना अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर सकते हो, आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब बस इसका आंसर का झोल झाल था जो मुझे समझाना था, ये हटा दूं, अब मैं जेड स्क्वायर को इकट्ठा करता हूं पहले, तो अब देखो एक्स वाई से मैं 4 के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। इन दोनों से जेड स्क्वायर है दोनों में, तो मैं इसको लिखता हूं प्लस 4 के स्क्वायर और माइनस 16 अल्फा स्क्वायर सबके इंटू में जेड स्क्वायर, यानी इन दोनों से मैंने जेड स्क्वायर कॉमन लेके लिख दिया, इक्वल टू मेरे पास बचा के रेस्ट पावर 4 माइनस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, चीज़ें क्लियर यहाँ तक। इससे मैं 4 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा 4, ये भी हो जाएगा 4 के स्क्वायर। यहाँ से मैं के स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, तो ये के स्क्वायर लूँगा तो क्या बचेगा, के स्क्वायर बाहर लेने से के रेस्ट पावर 4 हो जाएगा के स्क्वायर, इसका के स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो कुछ बच्चे इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इक्वल टू 1 बना लो, तो इस पूरे से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, या फिर इसको उधर लेके जाओ दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, तो दिस बिकम योर 4 के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये जो इक्वल टू की उस तरफ टर्म है, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और इसके नीचे एज इट इज, तो दिस इज योर के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास रह गया 1, क्योंकि मैंने इस टर्म से डिवाइड, इसको इसी से डिवाइड करो क्या मिलेगा 1। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर, यहाँ से होगा इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म, मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4 होल डिवाइड बाय के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ बचेगा जी प्लस 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट्स योर आंसर। लेकिन अब बच्चों के डाउट्स क्या होंगे कि सर मेरी बुक में आंसर ऐसा गिवन नहीं है, ठीक है, मेरे आंसर में कुछ और झोलझाल किया हुआ है इसने, वो झोलझाल क्या है देख लो ध्यान से। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, क्या मैं इस 4 को नीचे लेके जा सकता हूं? जी बिल्कुल लेके जा सकते हैं, अगर मेरे पास ऐसे होता है x डिवाइड बाय, मान लो y होल डिवाइड बाय जेड है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, x z ऊपर चला जाएगा z बाय y, ऐसे लिखते हैं यस और नो, बस कंडीशन ये होती है y और z जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आगे चीज़ समझ में आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से ये कंडीशन रहती है, ध्यान रखो अब आगे से, ठीक है।
ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन जनरल। अगर नंबर्स होंगे मेरे पास, जैसे मान लो 3/5/7 है, जीरो के अलावा कुछ भी हो तो जिस 3×7/5 हो जाएगा एज इज, ठीक है। तो y और z क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सो इस 4 को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, ठीक है, ये सुनो, यानी जैसे मैंने एक्स जेड बाई वाई लिखा, तो अगर मैं किसी भी नंबर को, जैसे मान लो y ये वाला पेयर बनाया मैंने, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वापस? अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, मैथमेटिक्स यही बोलता है, ठीक है जी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब मैं इस 4 को ले गया इसके नीचे, सेम एज इट इज 4 को ले गया इसके नीचे, आंसर मैच करवाने के लिए, बाकी यहाँ भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब मेरे पास बचा x²+y² होल डिवाइड बाय, क्या मैं इसको k²/4 - 4α² / 4 ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस z²/k²/4 = 1, ओके, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ ये k क्या था? जी ये k तो था कोई भी एक कांस्टेंट था, मतलब ये 5, 6, 7, 9 ऐसे कोई भी एक नंबर होगा, ऐसा ही कोई एक नंबर है, ठीक है। तो अगर मान लो एक कांस्टेंट है 16, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? एक नया कांस्टेंट। तो यहाँ पे वही हो रहा है, k बाई 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k/2 होल स्क्वायर, ये सुनो, सेम एज इट इज इसको भी मैं लिख सकता हूँ k/2 होल स्क्वायर, बात एक ही है। और मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट मैंने मान लिया k/2 जो है दैट इज योर a, a के इक्वल है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू गेट हियर x²+y² होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा a²-α² + z²/a² = 1, वेर ए इज दिस, दैट्स इट, आंसर मेरे इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आया? ये ऐसे आया, ठीक है, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट, इट इज़ ए न्यू कॉन्स्टेंट। तो एक नई चीज़ सीखने को मिली, कभी भी आंसर ऐसे मिलता है कि दो कॉन्स्टेंट डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहे हों, ठीक है, कोई दो कॉन्स्टेंट है, मैंने एक को बोला के है, लेट बी k1 and k2 है, प्लस हो रहे हों तो मैं इसको k लिख सकता हूँ, एक नया कॉन्स्टेंट कुछ भी लिख दूँ, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी लिख सकता हूँ, डिवाइड कर रहे हो तो भी लिख सकता हूँ। तो बस उसने वही काम किया, k इज योर कॉन्स्टेंट एंड 2 इज योर ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो k/2 को मैंने एक नया कॉन्स्टेंट बोल दिया, दैट इज ए, तो आप ऐसा बोल सकते हो, दैट्स वाई दिस आंसर इज देयर। सो एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। सो दैट्स योर एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम एलिमेंट, और आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, होप शॉप कुछ चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई होंगी, तो अभी के लिए इतना इनफ, आई थैंक यू।